बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। सच साहिब, यदि आपने श्लोक टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। बर्त्री भूप ने, बर्त्री एक राजा था, उसकी पत्नी जो थी बहुत उसकी नजरों में बहुत ही सुशील और बहुत प्रिय थी। वो अपनी पत्नी को प्राणों से भी प्रिय मानता था और उसको बहुत ही वफादार मानता था। परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। पता नहीं किस कारण से परमात्मा कैसी चोट लगाता है अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से उकासने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब पिछले पुण्य संस्कारों से प्राणी राज्य पद प्राप्त करता है और राज्य पद उसको प्राप्त है तो उसको जहां संसारिक सुविधा सबसे टॉप मोस्ट होती है, सबसे उत्तम होती है। अब जैसे हम नीचे स्तर के व्यक्ति होते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, उनको यदि थोड़ी सी सुविधा हो जाए वो भी धरती आकाश एक कर देंगे। इस काल की कुबद हमारे अंदर सब में भरी हुई है। अब परमात्मा कैसी कृपा करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए। अब राजा बन गया, पिछला पुण्यकर्मी प्राणी था, राज्य प्राप्त हुआ। राजा बनते ही अपने कर्मों को बिगाड़ने में जुट जाता है, लग जाता है। राजा शिकार खेलने जाता है और वहां उसकी हॉबी है ये, निशाना साध कर तीर मारा करते पहले गोली या बंदूक ना थी और नुद्दत आके जैसे मृगों की डार लाइने जाती थी हिरणों की, और उन्होंने नुद्दता कर राजा बड़े शौक से एक तीर मार दिया, फिर दूसरा मार दिया, फिर तीसरा मार दिया। तीन चार मृगों को मार के घर लाता और फिर बनवा के मांस उनका खाता, गदा। अब बिना ज्ञान के को वधित नहीं कर देता प्राणी, क्योंकि उसने कोई टोकनिया नहीं, सब सलूट मारे ये सुमेंट सारे, कोई नौकरिया नहीं, आप पाप कर रहे हो, कह तो वो मानना नहीं, उसने बल्कि सजा दे दे। अब जो ही उतना शिकार खेलने गया बर्त्री जी, उसने एक मृग मार दिया और वहां उसकी पत्नी मृगिणी खड़ी खड़ी रो रही है। उसने और वो कह रही हो कि मुझे भी मार दे पापी, आंखों से मोटी मोटी आंसू बह रही है। उधर से गोरखनाथ जी साधु आ जाते हैं और वो शिक्षा देते हैं कि बच्चा के मिल गया तने, ये इनका जोड़ा नाश कर दिया, अब ते तुझे कोई मार दे, तेरी पत्नी रो रही हो, तुझे कैसा लगे बच्चा। अब राजा अभिमान गणा उसे, वो शिक्षा सहन नहीं कर सका, कहने लगा गणी बात मत बनाओ बाबा जी, यदि तू ऐसा सिद्ध पुरुष है तो इसने जीवित कर दे, मृग ने मन मार रखा है, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी बोले, अरे चेला ना बनेगा तू, हकना जी पक्की बात हो दी, वचन का पक्का हूं मैं। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो मृग जीवित कर दिया। अब बर्त्री के पाया तले की जमीन खिसक गई, अगवाई तो कमाल का महापुरुष है, घबरा गया, कदे और कुछ ना कर दे तेरे गिल्ला। कहने लगा महाराज जी, आपका चेला मैं बन गया, मैंने दे दो उपदेश। महाराज उपदेश है घर ग्रहण का को ना, घर त्याग का मेरे साथ रहना पड़ेगा। नो बोला जी, इवे थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ दिन राज और कर लू, फिर मैं आपका चेला पक्का बन जाऊंगा। गोरखनाथ बोले, बस रहे बस भाई, तो क्या था मैं जुबान का पक्का, ना जी जुबान का पक्का हूं मैं। अच्छा भाई ठीक, सजा फिर बन जाइए। गोरखनाथ ने कहा कि बच्चा, ना तो तेरा परिवार अपना है, ना तेरी पत्नी अपनी है, ना ये राज तेरा है, ना ये मंत्री तेरे है, ना सेना तेरी है। जब तेरे खोटे दिन आएंगे, तेरे मंत्री तेरे शत्रु बन जाएंगे और तेरे ही सैनिक तेरे विरोधी हो जाएंगे,
और तुझे दो पैरों को जगह नहीं मिलेगी। कितन छुपकर समय व्यतीत करेगा, कोई राजा दूसरा अटैक कर देगा, तू भाग जाएगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहे, किधर घास तोड़ कर खाओगा। और भाई ये परिवार तेरा नहीं है, ये तेरा भूल लागरी है। बोला ना जी ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत चाहती है और वो तो मेरे लिए गेल मर जाएगी। मेरे परमात्मा गुरुनाथ बोले भाई ठीक से बेटा, हमने जो कहना था कह दिया तेरे थे, आप जब इच्छा हो जब छकले इस राज थे और छकले इस संसार तो जब आजिए मेरे पास, अपना स्थान बता दिया कि मैं वहां रहता हूं। अब परमात्मा कैसे जड़ निकालते हैं, अब वो अपनी पत्नी को वफादार मान्या करता भर्तृहरि जी। अब एक दिन क्या हुआ, गोरखनाथ जी अन्य रूप धारण करके साधु का वो पहचान नहीं सका उसको, राजा के पास गया कि राजा ये मेरे पास एक अमर फल है, इस अमर फल के ये गुण है कि जो इसको खा लेगा वो सदा युवा बना रहेगा, बहुत लंबी उम्र हो जाएगी उसकी, वो मरेगा नहीं सिगर से, और आप बहुत अच्छे नेक राजा हो, न्यायकारी हो, प्रजा के हितैषी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खा लो। अब राजा को वो फल देकर संत चला गया। अब राजा ने सोचा मैं के करूंगा इस फल ने खाकर, मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी लंबी उम्र की हो जाएगी, यानी वो अब उसको बहुत ही ज्यादा चाहता था, उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, उसके गुणों से परिचित करा दिया। वो कहने लगी रख दे मैं फिर ना धोकर खाऊंगी इसको। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद उसने पूछा कि तैने वो फल खा लिया? खा लिया, बहुत अच्छा किया। अब उसका क्या था, उसकी पत्नी का संबंध अवैध संबंध था उसी के एक नौकर के साथ। उस पत्नी ने सोचा कि मैं क्या करूंगी खाकर, इसको अपने मित्र को दे देती हूं, ये युवा बना रहेगा। उसने वो फल उसको दे दिया। उसका नौकर जाता था वैश्या के पास, उसने सोचा ये फल मैं उस वैश्या को दे दूं, वो उसको ज्यादा चाहता था, उसने वो फल उस गणका को दे दिया, उस फल के गुणों से परिचित भी करा दिया वैसा को। तो गणका ने सोचा कि मैं इस फल न खा लूंगी, सारी उम्र कुकर्म करूंगी, राजा बड़ा अच्छा है, नेक है, न्यायकारी है, क्यों ना ये फल उस राजा को दे दूं। ये विचार करके, और उसने ये भी सोचा कि राजा इसके प्रतिफल में मुझे बहुत सा धन दे देगा, वो इस उद्देश्य को लेकर के उसी फल को लेकर भर्तृहरि जी के पास पहुंच गई कि राजन ये एक ऐसा फल है, इसको जो खा लेगा वो दीर्घायु हो जाता है और सदा युवा बना रहता है। तो उसने पूछा कि आपको ये फल कहां से मिला? राजा ने पूछा कि सच्ची बताना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब उसका तो गुस्सा हो गया, उसको मन में आई कि वो फल तो नहीं है ये, पर उसका जचना थी कि वो तेरे वाला फल होगा। वो कहने लगे जी मुझे तो आपके नौकर ने जो ये घोड़ों का इंसार था, दुर्गा बोलते थे उसको, कि उस दुर्गा जी ने दिया है। वो दुर्गा जी बुला लिया, कहने लगा भाई वो फल तू कहां से लाया? और राजा ने सतर्क कर दिया, ये सच्ची बता दिया, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और सच्ची बता देगा तुझे माफ कर दूंगा। अब वो कहां पे गया, उसने कहा कि आपकी पत्नी ने मुझे दिया था, सारी कहानी बता दी उसने। तो फिर अब फिर उसकी पत्नी से पूछा, वह तो नाटकी, पहले तो मना किया, फिर घुड़सवार सामने खड़ा कर दिया, फिर नीची गर्दन कर ली उस नालायक ने। अब उसके पैरों तले की धरती निकल गई उस भर्तृहरि की। पुण्यात्माओं एक कचोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, उसके वो संत के सारे वचन आज सच्चे सिद्ध होते नजर आए। रत रग जो बोलो,
जिसको मैं एक सबसे प्रिय और वफादार मानता था, आज ये कितनी दुष्ट निकली। उसी दिन से राज त्याग दिया और गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर गिर गया। रोवा बुंडी त्रिया बुरी तरह टक्कर मार मार चरणों में रोए कि गुरुजी आप सच्ची कहा करते, मेरा दच्ची कोई ना चीज बात है। गोरखनाथ जी कहते, तू जिसको अपना मान रहा है वो तेरा नहीं है। यहां कोई भी किसी के सामने सच्चा नहीं बोल रह सकता, कोई सच्ची बोलता ही नहीं, ना बाप बेटे से बोल सकता। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, उसने कुछ बातों को छुपा कर ही रखना पड़ता है। और भाई ये झूठा लोग से तू जिसको अपना मानता वो तेरा कभी नहीं हो सकता, तेरा तो भगवान है और उसको तू भूल रहा। तो भर्तृहरि जी का उस दिन ये सारी बातें सच्ची जचें थी जो दो संत कहे था। अब गोरखनाथ जी बोले, भाई देख ले बेटा, यो जीव जब माने है, जब इसका प्रैक्टिकल हो ले, वैसे कितनी बात बना लो कति नहीं जसती, कोई ना कोई अटकल दाए रखे ना, वो तो मेरा खास है। चलो वो खास भी है मान ले, बड़ी बात ये नहीं होता कि सभी पत्नियां नालायक होती हैं या सभी पति बुरे होते हैं। मान लीजिए आप जी की पत्नी भी बहुत वफादार भी है, बहुत शील स्वभाव की भी, पर वह तेरी न कोई ना, कल तेरी मृत्यु हो जाए, गेल का नाम रहे, और गेल मर जाएगी जब कोई आगे कट्ठे जाए, कोई गधी बनेगी कोई गधा बनेगा, तो बता वो तेरे हुए क्यों करे। तो इस तरह की बातों को समझा बुझाकर इस कालजाल में फंसी बूढ़ी आत्मा को प्रेरित किया जाता है कि जो तेरा ठिकाना है उसकी तरफ अग्रसर हो। अब फिर इसी तरह गोपीचंद नाम का राजा था, ये दोनों आपस में इनका नाता भी बताते हैं, गोपीचंद और भर्तृहरि। ये इसने भी ऐसे ही अपनी मां के कहने से राज त्याग दिया था और गोरखनाथ जी के दोनों शिष्य बन गए थे। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद चौरासी के, पर वो किस सत्र का गुरु है और क्या उसके पास वस्तु है, उसी सत्र का लाभ भी गुरु वचन पर डटने से ही, रुकने से ही, स्थिर रहने से, उसका ओबीडेंट रहने से ही मिलेगा। अब गोरखनाथ जी ने उनको कहा, दोनों को, वो दोनों गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों जाओ अलवर, राजस्थान में अलवर शहर है, वहां का एक राजा था, वो एक दुर्ग बनवाओ था, एक फोर्ट किला, वो किला बनवाओ था, छिनवा रहा था। गोरखनाथ ने आदेश दे दिया कि अलवर के राजा के किले में जाकर तुम मजदूरी करो 12 वर्ष तक, और उसका कोई मेहनताना नहीं लेना, अपने खाने के लिए कहीं और मजदूरी ओवर टाइम करना। उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब जिन्होंने परमात्मा पाना है, जिनको परमात्मा चाहिए, फिर बकवाद की तरहगी गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, चाहे शीश देन की कह, चाहे कुएं पढ़ने की कह, चल पढ़ना चाहिए, तो गुरु जी है तो, या तो गुरु जी मानो मत, उसने निकम्मा है तो फिर उसको गुरु जी का फिर नाता क्या, अपना छोड़ एक तरफ जा बैठे। और जो संत होते हैं वो हित में ही कहते हैं, उसका वर्तमान में भले ही कोई रिजल्ट निकलता ना दिखे, पर परिणाम बहुत अच्छा होता है लास्ट में। अब वो आदेश पाते ही गुरुदेव का चरणों में मस्तिक रखकर और चल पड़े, जो आ गया गुरुदेव, ठाक अपना बैग पहुंच गए अलवर के किले में, जहां मजदूर मजदूरी किया करते थे। जो समय मजदूरों का होता था उतना समय तो वहां करते, फिर उसके बाद अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं तलाश करने लगे ओवर टाइम जॉब। दो दिन हो गए कुछ नहीं मिला, भूखे सो जाते, सुबह उठते फिर मजदूरी करने चले जाते। एक दिन वो दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि भाई जो गुरु जी का आगे से सिर जा सके है, जब ग्रह छोड़ दिया, राज त्याग दिया, परमात्मा पाना है और गुरु के आदेश में वचन में रहना है, और ऐसे ही मिलेगा तो बेसिक शरीर दा भाई, ये उल्टे कदम नहीं हटा सकते। अब मरा चाहे जीवा, दो दिन हो गए भूख जोर की लाग रही है, राजा थे
राजा को तो 2 घंटे भूख ना उठे, परंतु शीश दे दिया फिर वो अग्रम अग्रम नहीं रहती। दोनों जने बैठे बैठे जमीन पर बैठे बातें कर रहे थे, भाई एक तो मुक्त आवेगी, 1-2 दिन में मौत हो जाएगी जब आहार रोटी ना मिली थी। सुबह सुबह का समय था, वक्त से बैठे बतलावे थे और नीचे एक कुम्हार मट्टी खोदा था, नीचे वो बना देता गुफा सी बढ़िया मिट्टी निकालने के लिए, और वो ऊपर बात करें थे उसी का ऊपर बैठे गुफा के। कुम्हार ने सोचा ये तो भाई कोई अच्छी आत्मा है और साधु बन गए और न रोटी ना मिल ली। तो वो आया ऊपर, कहने लगा भक्तो तुम तो भगत दिखाई देते हो, अकना जी हम तो मजदूर हैं। अच्छा आप लगता है आपने 2 दिन हो गए आहार नहीं किया। अखा जी 2 दिन हो गए आहार का कोई दाव लग कहीं बैठा नहीं, सूत बात बनी नहीं। तो कुमार बोला कि भाई अमन रोटी ला रखी मेरी, तुम रोटी खा लो। ने बोला नू ना खावा पिताजी, हम पहले मजदूरी करेंगे, आप हमें मजदूरी दे दो, कोई काम बता दे तो मजदूरी करके फिर रोटी खाओगे, वैसे रोटी हम खावा कौन। उन्होंने बहुत आग्रह किया भाई मेरी 8-10 रोटी आती है यहाँ के, अपने काम करता हूँ वहां पर, और बेटा आदि आदि खा लेंगे, तुम खा लो ना, ऐसे नहीं खाऊंगा, हमें मजदूरी बता। तो उन्होंने बोला भाई तुम के मजदूरी बताओ, नू करो तुम मेरी अगार पानी गेर कर गारा बना दिया करो और मैं ये मटके बना दिया करूंगा, तुम रोटी खा लो। अब ठीक है ऐसे करने लगे। अब उधर से वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि 2 सेवक और हैं, 2 की रोटी कुछ ज्यादा भेज दिया कर। तो उसने देखा जाकर उसकी पत्नी ने, कुम्हार की पत्नी ने, कि ये तो एक बार गारा बना देते हैं, गारा मिट्टी खोद लेते हैं, फिर सारा दिन तो ये अपना कितौरा काम करे है। तो वह क्या करने लगी, रोटी जितनी उसकी भेजा करती थी, पहले 10 रोटी भेजती थी तो उसने 8 कर दी और कम कर दी नालायक ने। उन 8 में थे वह 2-2 ताई दे दे, 3-3 ऐसे अपना पट्टा कर ले और वो रोटी खा के चले जा। तो ऐसे उन्होंने, फिर उसने क्या किया कि 8 की जगह 6 कर दी, वो 6 रोटी आन लगी, 2-2 खा ले, वो तो कुमार से घर जाकर भी खा ले, पर वो उनते ही खा बेटा तुम 3-3 खा लो ना, हम 2-2 खाएंगे, 6 आई है 2-2 बांट के खाएंगे। तो वो ऐसे वहां मजदूरी करते 12 वर्ष बीत गए, अलवर का किला पूरा हो गया। अब वो जो उन्होंने वो मटके जो थे कुमार ने आवे में दे रखे थे पकने के लिए, उसमें आग दिवा दी उन्होंने, सारी मजदूरी करवाई फिर रखवाए, यानी उसमें आवे में तैयार रखवा दिए, आग लगा दी। जब आवा पकने को हुआ उस दिन खड़ा होकर के गोपी चंद्र भर्तरी जी दोनों एक सुर में कहने लगे के पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत, यूं कहकर वो चले गए। अब जिसने उन्होंने वो शांत हो गया, ठंडा हो गया आवा, आवा माने एक ऐसा कीलन सा होता है जिसमें ये मटके पकाए जाते हैं, उन्होंने क्या देखा कि जब उस आवे को खोला मटके निकालने लगे, आधे मटके तो सोने के, आधा हिस्सा मटके का सोने का, आधा कति कच्चा रेत, कित जो गनीनों का अलग पाया। अब वो आधा सोना आधा रेत जब कुम्हार और कुम्हारी ने वो देखा, वह कुम्हारी टक्कर मार मार रोने लगी, न बोलिए तो कोई महान आत्मा थे और मैंने इनके साथ बहुत जलालत की, मेरा केरा होगा, ये तो इतना इतना धन दे गए, इतना सोना इसने कहाँ रखेंगे, छुपाते फिर राख डालने, कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं
अब गोपी चंद और भर्तरी जी को जैसा भी गोरखनाथ जी ने ज्ञान भक्ति मार्ग दिया था, उन्होंने सिर दड़की बाजी ला के किया। और ये एक नियम है, आप जिस भी संत का उपदेशी बन जाते हो, जैसा उसने मार्गदर्शन किया है उसको तन मन धन से करोगे, उस सत्र का लाभ भी उसी समय मिलेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया प्रत्येक आज्ञा का पालन करो। अब उस क्रिया से गोपी चंद और भर्तरी को जो साधनाएं उसने बताई गोरखनाथ जी ने की, उससे कितना लाभ होगा कि वो अब प्रथम मुक्ति प्राप्त है और वो ऊपर स्वर्ग के अंदर विद्यमान है। जब उनका स्वर्ग का समय वहां पूरा हो जाएगा, फिर वो पृथ्वी पर आकर एक बार फिर राजा भी बनेंगे दोनों। उसके बाद 84 लाख योनियों में वो चले जाएंगे। अपुण्य आत्माओं, सतगुरु के अभाव से श्रद्धालु श्रद्धा भी बहुत रखते हैं, समर्पण भी करते हैं। रावण ने शीश भी काट कर चढ़ा दिए अपने गुरुदेव के आज्ञा से, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जैसा उसको ज्ञान मिला था। और फिर क्या मिला लास्ट में? एक बार तो यहां संसारिक सुख नजर आए, फिर दुर्गति हुई और सारी उम्र के लिए नरक में ठोक दिया गया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।